तो आज हम लोग एंजाइम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके दूसरी कड़ी पार्ट टू। और पार्ट टू में क्या देखना है, तो कल हम लोग पिछले वीडियो में एंजाइम पार्ट वन देखा था और उसमें हम लोगों ने एंजाइम की करेक्टरिस्टिक को समझा था और एक बात हम लोगों ने लास्ट में छोड़ा था कि एंजाइम काम कैसे करता है। उसी बात को आज मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा टॉपिक है आज का कि हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां हमने उस बात को लिखा भी है कि हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले दिन हम लोगों ने डिस्कशन के दरमियान आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस नामक एंजाइम के बारे में बताया था कि जिस जो कितना फास्टेस्ट है, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है, 10^7 टाइम्स स्पीड बढ़ा देता है। तो यह कैसे होता है, इसकी मेकानिज्म क्या है, इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे और साथ में आपको मैं बताऊंगा कि एंजाइम को कितने तरह से बांटा जा सकता है और एंजाइम को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। एंजाइम, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, यह बात पहले से चलती आ रही है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जाने हैं। तो रिकैप के लिए हमने एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि वे कौन सारी प्रॉपर्टी है एंजाइम की जिसे आप लोग जानते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ऑलरेडी आप जानते। लोअर द एनर्जी इनपुट या एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड। कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन एंजाइम के बिना भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। उस एनर्जी को कम एनर्जी पर सेल कम एनर्जी खर्च करे, जीवधारी कम एनर्जी खर्च करे और कैसे रिएक्शन को फिजिबल बनाए, यही काम एंजाइम का है। तो इसलिए यहां यह भी एक करेक्टर है। आज हम लोग मेन रूप से इसी करेक्टर पर फोकस करने वाले हैं कि लोअर द एनर्जी इनपुट, कि एंजाइम कैसे एनर्जी को लोअर करता है और रिएक्शन को फिजिबल बनाता है। तीसरा है स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी जानेंगे। है एंजाइम आर प्रोटीन, सुनते सुनते थक गए होंगे कि एंजाइम आर प्रोटीन, एंजाइम आर प्रोटीन। चलिए, एंजाइम रिमेन अनचेंज आफ्टर ए रिएक्शन एंड देयर फोर कैन वर्क अगेन। माने कैटालिटिक साइकिल, साइक्लिक वे में एंजाइम काम करता रहता है। सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, प्रोडक्ट बना के फिर फ्री हो जाता है, फिर अगले सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, प्रोडक्ट बना के फ्री हो जाता है। इस बात को हम लोग ऐसे समझे कि आप भोजन करते हो तो आपका मुंह एंजाइम है और प्लेट में रखा हुआ पूरी सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट आपके मुंह के अंदर गया, आपने भोजन किया और वो पेट के अंदर चला गया तो प्रोडक्ट बन गया। तो मुंह तो कभी कुछ नहीं कर रहा है, बार बार इंगेज हो रहा है और कैटेलाइज करके पूरी रूपी सबस्ट्रेट को बोलस रूपी प्रोडक्ट में बदलते जा रहा है, पूरी मुंह में जा रहा है, मुंह जो है उसको चबा रहा है, टुकड़ा टुकड़ा करके और फिर अंदर भेज दे रहा है। तो साइक्लिक वे में ये प्रोसेस होता है। अगला बात है, एंजाइम आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट ऑफ ए रिएक्शन, कि प्रत्येक रिएक्शन के लिए या प्रत्येक सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होगा। जिस तरह से कि प्रत्येक ताला के लिए अपनी चाबी होती है, किसी चाबी से वो नहीं खुलता, किला फैशन। एंजाइम आर रिवर्सिबल एंड कैन कैटेलाइज ए रिएक्शन गोइंग बोथ वे, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट भी करा देता है, प्रोटोन और कार्बोनेट, रिवर्सिबल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में छोड़। तो बहुत सारे एंजाइम है या मोस्ट ऑफ द एंजाइम है जो रिवर्सिबल, अपने ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में भी देखा था।
कि उसके 10 स्टेप रिएक्शन थे, सब के सब क्या थे, रिवर्सिबल थे, या मोस्ट ऑफ द रिवर्सिबल थे। लास्ट है प्रॉपर्टी, एंजाइम आर डीनेचर्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। पिछले दिन आप लोगों ने ये भी समझा था, टैग पॉलीमरेज याद करिए, थर्मोस्टेबल एंजाइम, तो कुछ एंजाइम जो है थर्मोस्टेबल है लेकिन बाकी एंजाइम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, और यही अंतर है इसका इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से। ये सारी बात आप समझ रहे होंगे, बातें मैं जितनी कह रहा हूं वीडियो सारे सीरीज में जा रहे हैं, एक के ऊपर एक है। और ये मत भूलिए एनसीईआरटी से एक लाइन इधर उधर वीडियो नहीं है, टू द पॉइंट एनसीईआरटी को मैं पकड़ के चल रहा हूं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे आपको वीडियो समझ में आएगा, नहीं पढ़ते होंगे केवल अगर वीडियो देख लेंगे तो कुछ नहीं होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब है क्या कि एक्टिवेशन एनर्जी, तो कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कि एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी पहले क्या है और किस तरह इंजन सबस्ट्रेट के एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को कम करता है रिएक्शन। तो देखिए हम एक ग्राफ लेके आए हैं, इस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर दिखा रहे हैं डेल्टा जी फ्री एनर्जी। तो यहां ये रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट की एनर्जी है, इसको ईएस कॉम्प्लेक्स इंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को बध करके जब ये ईएस कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसको इतना एनर्जी चाहिए, अगर नहीं इंजाइम दिया जाएगा तो इसको इतना एनर्जी चाहिए, तब जाकर के ये प्रोडक्ट में बदलेगा। तो सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ये है और इसको चाहिए इतना, तो ये बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का, यही हुआ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, और इस पॉइंट को कहते हैं स्टेट ऑफ ट्रांजिशन। और अब अगर एंजाइम आपने डाला या एंजाइम की उपस्थिति आई तो देखिए एनर्जी की जो वैल्यू थी वो लोअर हो गई, रिड्यूस हो गई। तो एंजाइम क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को कम कर दिया। तो आपके आपके सेल के लिए क्या हुआ, एंजाइम इकोनॉमिक सिटी प्रदान करता है, कम ऊर्जा। आप जानते हैं कि जो भी सिस्टम कम ऊर्जा लेगा वो बहुत देर तक चलेगा, ड्यूरेबल होगा, यही लिविंग स्टेट। तो एंजाइम, आप लोग कहते हैं कि आदमी मर गया तो प्राण उड़ गए, मैं तो ऐसा नहीं मानता, मैं तो मानता हूं कि एंजाइम डीनेचर्ड हो गए, एंजाइम काम करना बंद कर दिए, इसलिए स्टेडी स्टेट खत्म हो गया, डेथ हो गया। तो प्राण तो हमें एंजाइम ही समझ में आता है कि लिविंग के अंदर अगर कुछ भी है, लाइफ को सस्टेन करने वाला है, तो वो और कुछ नहीं है, एंजाइम है। इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूं एंजाइम पर, पूरी बायोलॉजी आपके एंजाइम पर खड़ी है। आप आगे बढ़ेंगे जितना दिन बायोलॉजी में रहेंगे, आपको तो कैरियर बनाना है बायोलॉजी में, सब कुछ डिपेंड है एंजाइम पर, इच एंड एवरीथिंग। एनीवे, तो अब कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, और विथ एंजाइम कम। तो एंजाइम की डेफिनेशन क्या हो गई, एंजाइम हु लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए कन्वर्शन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अब क्या है कि सबस्ट्रेट की एनर्जी ये थी और प्रोडक्ट बना, तो देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी ये हो गई, तो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो चेंज इन फ्री एनर्जी, ये वैल्यू किसका हुआ, चेंज इन फ्री एनर्जी। और ये क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, और ये क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो अब आप लोगों ने एंजाइम की प्रॉपर्टी समझी होगी कि एंजाइम किस प्रकार एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को कम कर देता है। देखिए एंजाइम आर प्रोटीन दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये बात ने भी समझा है। अब यहां देखिए वही ग्राफ है, अब यहां पर आपको रिएक्टेंट समझाने के लिए हमने एग्जांपल दे दिया, ग्लूकोज प्लस ओ टू प्रोडक्ट सीओ टू और एच टू। तो ग्लूकोज की एनर्जी लेवल ये है और
CO2 और H2 की एनर्जी लेवल ये है, तो इस ओवरऑल रिएक्शन में ये एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं? तो ये रिएक्शन एनर्जी रिलीज करेगा, और आप जानते हैं कि किस रूप में करेगा, एटीपी के रूप में। इसे हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ये रिएक्शन एक स्टेप का रिएक्शन नहीं होगा, हजारों इसमें स्टेप आएंगे, इसलिए इसका नाम मेटाबॉलिक पाथवे होगा। और मेटाबॉलिक पाथवे होगा तो ये कैसा होगा? ब्रेकडाउन, इसलिए कैटाबॉलिक पाथवे होगा। आइए, अब रिएक्टेंट जो है विदाउट एंजाइम, देखिए कितनी एनर्जी ले रहा है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हुआ जो बिना एंजाइम का उसको चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए। लेकिन अगर आपने एंजाइम लगा दिया तब ये ग्राफ ऊपर नहीं गया, यहीं से नीचे आ गया विथ एंजाइम। तो एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार आप लोगों ने भली भांति समझा होगा कि क्या है एंजाइम और एंजाइम की मुख्य रूप से डेफिनेशन क्या है। तो एंजाइम की डेफिनेशन यही है अंतिम शब्दों में हमारे, कि वो लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय विच सबस्ट्रेट इजली कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ये कि एंजाइम एक्शन की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। कहते हैं कि इच एंजाइम हैज ए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल शो दैट ए हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कि प्रत्येक एंजाइम के पास कैटालिटिक साइट है, पहला तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है। तो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, एंजाइम के सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पर क्या होगा, सबस्ट्रेट बंधेगा। वो पॉकेट है शर्विकीय जो आप पढ़े हुए हैं, और वहां एक्टिव साइट पर जब वहां सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पर जाकर के ये एंजाइम सबस्ट्रेट बंध जाएगा तो वो क्या बनाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, बहुत देर तक नहीं ठहरता है, क्योंकि वहां दो साइट है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। तो जैसे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पर सबस्ट्रेट बंधेगा तुरंत कैटालिटिक साइट काम करेगा, इसलिए ईएस कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड होगा, इसकी ड्यूरेशन बहुत कम होगी। एंड डिसोसिएट इनटू प्रोडक्ट, और वो कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। एंड द अनचेंज एंजाइम विथ एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब कहता है कि ईएस जो शॉर्ट लिव्ड है, जो तुरंत ही प्रोडक्ट बना देगा, फिर भी उसी के बीच में उससे भी छोटा पीरियड के लिए ईपी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण। देखिए ई प्लस एस, ई एस यह रिवर्सिबल है, और ई एस तुरंत क्या बना रहा है, ईपी। एक बार ईपी बन गया तो ई एस नहीं बनेगा, यह रिवर्सिबल नहीं है। और ईपी क्या बना देगा, एंजाइम फ्री होके प्रोडक्ट बना देगा। इसको मैं फिगर के द्वारा समझा दे रहा हूं कि यह क्या है, एंजाइम है, यह क्या है, एक्टिव साइट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट आया एंजाइम पर, बांध के बना दिया क्या, ईएस कॉम्प्लेक्स। ईएस कॉम्प्लेक्स से ये क्या बन गया, ईपी, इसीलिए इसका चेंज हो गया कलर, ईपी। और ईपी से फिर क्या हो गया, एंजाइम फ्री हो गया और प्रोडक्ट्स बन गए। अब बातें समझ में, ये आपकी सेंट्रल थीम थी, और ये थी नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। लेकिन ये काम तो फिर एंजाइम क्या होगा, फ्री होने के बाद अगेन सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने जाएगा, तो इस प्रकार कैटालिटिक साइकिल का निर्माण होगा। यह भी आपने प्रॉपर्टी में एंजाइम का समझा था। अब देखिए कैटालिटिक साइकिल क्या है। कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन एंड देयर स्टेप, कितने स्टेप में बांटा है, चार स्टेप। पहले जीआईएफ को देख ले, यहां ये एंजाइम है और ये क्या है, सबस्ट्रेट है सुक्रोज। आकर के देखिए, फिट हुआ, वाटर लगा, टूट गया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फिर आया दूसरा साइकिल, देखिए इस तरह बार बार ये साइक्लिक वे में चलते रहेगा, इसे हम लोग कहते हैं कैटालिटिक साइकिल।
तो कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्सेलरेटर स्टेप, पहला स्टेप, द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू एक्टिव साइट। देखिए फिगर में कैसे वो फिट कर रहा है, सबस्ट्रेट आ रहा है, अरे इसको देखिए ये फिट किया, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट शेप एंड फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। इंड्यूस किया, अल्टर हो गया उसका शेप और चारों तरफ से बांध लिया। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, वही रहा है उसमें, जब एक्टिव साइट पूरा तरफ से में जब सबस्ट्रेट फिट कर गया, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में गया, तब वो काम करना शुरू किया एंड ब्रेक द केमिकल बॉन्ड। तो वही वाटर के द्वारा, फिर ध्यान से वहां देखिए, वाटर आ रहा है तो क्या कर रहा है, केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और जब वाटर देगा तो एक तरफ एच चला जाएगा, दूसरे तरफ ओएच चला जाएगा, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है टूट जाएगा। आगे कार्बोहाइड्रेट भी इस बात को और डिटेल करेंगे हम। सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो देखिए जहां स्पार्किंग होती है तो क्या हुआ, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। तो आपने क्या देखा कि एंजाइम एक्शन कैसे होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कैसे करता है, और कैसे एंजाइम कैटालिटिक साइकिल चलाता है, ये बेसिक बातें थी एंजाइम की, जो सेंट्रल थीम थी। अब इसके बाद हम लोगों को दो बातें पढ़नी है, एक बातें पढ़नी है कि फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करना मतलब एंजाइम का एक्शन माने रिएक्शन का होना, एंजाइम का एक्शन इफेक्ट होना माने रिएक्शन का नहीं होना। तो यहां दो टॉपिक आ जाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम में। पहला टॉपिक होगा कि एंजाइम एक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, और दूसरा होगा एंजाइम इनहिबिशन एंड देयर मैकेनिज्म। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना है एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम का क्लासिफिकेशन, कि एंजाइम कितने तरह के हैं, कितने क्लास हैं, एंजाइम के नाम कैसे होते हैं, नोमेनक्लेचर क्या है, ये सारी चीजें। नहीं तो सब कुछ जान लीजिए और ये जानिए नहीं तो अधूरा हो जाएगा। तो आइए अब कुछ बात हम लोग नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन से संबंधित करते हैं। उससे पहले हमने ये दूसरी बात लिया है, यहां यही मैं दिखाना चाह रहा हूं कि एक प्रोटीन जो एंजाइम के रूप में काम कर रहा है, यहां ये देखिए एक्टिव साइट इसका एस्पार्टेट का बना हुआ है, और सबस्ट्रेट क्या है इसमें लगा हुआ है, पॉलीसेकेराइड का चेन लगा हुआ है, और इस ये लाइसोजाइम एंजाइम कैसे क्लीव कर रहा है, क्या किया, यहां से इसको बांध दिया ये, और यहां से इसको बांध दिया, और बीच में यहां से तोड़ दिया, जो अभी आपको हमने एक जीआईएफ में दिखाया था, इसका ये रियल डायग्राम है कि किस, वही बातें यहां दिखाना मैं चाह रहा कि एंजाइम के एक्टिव साइट में दो पार्ट है, पहला सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और दूसरा कैटालिटिक साइट। तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कौन हुआ, तो यहां देखिए सबस्ट्रेट बंधा, और यहां एफ और बी दोनों पर क्या हुआ, सबस्ट्रेट बाइंडिंग, और ये डी यहां पर क्या हुआ, क्लीविंग साइट। तो दो साइट है और तब मिला के ये एक्टिव साइट बना हुआ है, और ये लाइसोजाइम है इसलिए प्रोटीन इसके बने हुए हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे उस पर बात करते हैं। इन मोस्ट केस एंजाइम नेम इंड एज एस, ए एस ई, आप पहले से भी जानते हो कि ज्यादातर एंजाइम का नाम एज से खत्म होता है। द कॉमन नेम फॉर हाइड्रोलिस, जो हाइड्रोलिसिस करे, ब्रेक कर दे वाटर की उपस्थिति में, सबस्ट्रेट को तोड़ दे,
मोस्ट ऑफ दी आपके डाइजेस्टिव इंजाइम हाइड्रोलेज होते हैं, इसलिए खाना खाने के बाद तुरंत पानी मांगना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे पानी पीते हैं खाना ब्रेक होता है, क्योंकि वाटर की जरूरत है, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डिराइव फ्रॉम द सबस्ट्रेट. द कॉमन नेम फॉर ए हाइड्रोलेज इज डिराइव फ्रॉम सबस्ट्रेट. हाइड्रोलेज के नाम उनके सबस्ट्रेट के नाम पर होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर यूरिया, यूरिया को तोड़ने वाला एंजाइम यूरेज क्या हो गया, यूरिया में से रिमूव कर दिया गया ए और जोड़ किया दिया ए एस ई, तो क्या बन गया यूरेज. ज्यादातर लोग ये समझेंगे यूरिया में एस ई जोड़ दिया गया, नहीं, ए हटा के तब ए एस ई जोड़ा गया यूरेज. लैक्टोज, अब इसमें से क्या हटा दिया गया ओ एस ई, लैक्टोज हटा दिया गया, और ओ एस ई हटाने के बाद इसमें क्या जोड़ दिया गया ए एस ई एच, तो इस प्रकार क्या हो गया लैक्टेज. अब दूसरा फैशन, एक तो पहला ये प्रणाली है या फैशन है. अदर एंजाइम आर नेम फॉर द सबस्ट्रेट एंड द रिएक्शन कैटालाइज. कुछ वैसे भी एंजाइम है जिनके नाम उनके सबस्ट्रेट और किस प्रकार के रिएक्शन में विभाग लेते हैं इस पर डिपेंड करता है. जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या कर रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं. पाइरुवेट डीकार्बोक्साइलेज क्या करा रहे हैं डीकार्बोक्साइलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सम नेम आर हिस्टोरिकल, जिसका कोई नियम कानून नहीं, नो डायरेक्ट रिलेशनशिप टू सबस्ट्रेट और रिएक्शन टाइप. एज फॉर एग्जाम्पल केटालेज, इसमें रिएक्शन का पता है ना सबस्ट्रेट का पता. पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये सब पुराने नाम है ट्राइबल नेम है, इनके सब के नए नाम आ गए हैं. एज इन ऑर्गेनिक देयर इज ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डिवाइस फॉर एंजाइम एज वेल एज ए लॉट ऑफ कॉमनली यूज्ड नेम. तो ऑर्गेनिक में जिस प्रकार के नोमेनक्लेचर है उस तरह एंजाइम के भी नोमेनक्लेचर है. इसको कौन गाइड करता है, आईयूबी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री. उसको कौन गाइड करता है, आईयूपीएसी. तो आईयूबी के अनुसार देयर आर द सिक्स मेन क्लास यूजिंग फॉर नेमिंग एंजाइम. एंजाइम के नामकरण के लिए इंटरनेशनल लेवल पर छह क्लास बनाए गए हैं. There is also a numerical assignment for each enzyme developed by enzyme commission. Enzyme commission ने numerical, digital name, digital जमाना है, digital name कि enzyme को हम नाम लिखना नहीं है, चार को letter लिख देना है. 5311 enzyme का नाम हो गया. देखिए इसको कहते हैं enzyme code. 1111 सब में देखिए डॉट मारा हुआ है डिनोट. अब इसका मतलब क्या हो गया, 1111 का मतलब हो गया अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और इसका सिस्टमेटिक नाम क्या हो गया अल्कोहल एनएडी ऑक्सीडो रिडक्टेज डोनर एक्सेप्टर मेन. अभी बोल रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पर एंजाइम के कितने क्लास है, तो छह है. इसका शॉर्ट फॉर्म अब्रिविएशन है ओटलिल, ओटलिल ओ टी एच एल आई एल. ओ फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी फॉर ट्रांसफरेज, एच फॉर हाइड्रोलेज, एल फॉर लाइज, आई फॉर आइसोमरेज एंड एल फॉर लाइगेज. ऑक्सीडो रिडक्टेज मोस्ट ऑफ द एंजाइम इसी में है, कैटेलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिक क्षमता जो है इसी रिएक्शन पर आधारित है. जीवों की मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन गेन ऑफ प्रोटॉन इसी पर आधारित है. ट्रांसफरेज कैटेलाइजिंग ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यह फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है. हाइड्रोलेज नाम सुना हुआ है,
कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पहले बता चुका हूं, लाइज कैटेलाइज ग्रुप इलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म डबल बॉन्ड, बिना वाटर का तोड़ देता है। आइसोमरेज आप जानते हैं आइसोमर बनाएगा और लाइगेज जोड़ेगा, क्योंकि आपके बार बार दिमाग में डाल रहे हैं कि एंजाइम से जो रिएक्शन होंगे ये नहीं कि प्रोडक्ट का मतलब कि सबस्ट्रेट टूट जाएगा, ज्यादा लोग यही समझते हैं, दो सबस्ट्रेट जुड़ के भी एक प्रोडक्ट बनाएगा, इसलिए एंजाइम का पॉलीमरेज, लाइगेज लाइगेशन मैंने जोड़ना, कहता है कि लाइगेज कैटेलाइज द बॉन्ड फॉर्मेशन टू रिएक्शन कपल विथ एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो जहां भी लाइगेज जब बॉन्ड बनेगा ऊर्जा चाहिए, एटीपी टूटेगा। अब जो पीछे हमने इसी पर बात किया था, देखिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट एनएडी ऑक्सीडोरिडक्टेज इसका नाम हुआ। अब इसमें क्या है इसका नाम 11127, तो ये वन क्या हुआ, पहला डिजिट क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लास, कौन सा क्लास, तो पहला क्लास का नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज। दूसरा ये वन क्या रीड कर रहा है, सब क्लास, मैंने ऑक्सीडोरिडक्टेज का क्लास, सब क्लास। अब ये सब क्लास क्या करता है, में कौन एंजाइम आते हैं, एक्टिंग ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसके बाद तीसरा लेटर किसको डिनोट करता है, सब क्लास में भी सब क्लास, एनएडीएच इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये जो 27 जो दे रहे हैं यह है स्पेसिफिक एंजाइम विद इन, अब किसी भी सब क्लास में 30 गो एंजाइम, 35 गो एंजाइम, 3 गो एंजाइम, 5 गो एंजाइम, तो वो कौन सा एंजाइम, तो पूरे वर्ल्ड के एंजाइम का लंबा लिस्ट आ गया कि नहीं, कि पूरे वो 6 क्लास में होंगे ओटलिल। अब प्रत्येक क्लास में क्या होंगे, सब क्लास होंगे, प्रत्येक सब क्लास में क्या होंगे, सब क्लास होंगे, अब प्रत्येक सब क्लास में क्या होगा, एंजाइम होंगे 10, 5, 20, 50, 100, इस तरह सारे एंजाइम अरेंज्ड है। अब ये तो नॉर्मल एंजाइम, एक और भी एंजाइम का नामकरण आता है जो आप 12 में जानेंगे और बायोटेक्नोलॉजी में जानेंगे, एक खास ग्रुप के एंजाइम है इंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को काटने के काम में आता है, उसकी देखिए नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा इससे अलग है, उसको भी जान लीजिए। इंडोन्यूक्लियस नॉमेनक्लेचर, अब इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है हिंडी, थर्ड एंजाइम का नाम है, एज वगैरह भूल गया, कोई एज वगैरह नहीं लगाना है, यह नाम सीधे लिखोगे क्या, हिंडी थर्ड, क्योंकि इंडोन्यूक्लियस है। अब इसमें क्या है कि पहला ये कैपिटल लेटर एच है, ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, कि ये एंजाइम जिस ऑर्गेनिज्म जिस बैक्टीरिया से निकाला गया है उस बैक्टीरिया का जीनस क्या है, तो एच से नाम हुआ हीमोफिलस। और ये जो सेकंड दो लेटर है स्मॉल आई और एन, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, इन्फ्लुएंजी, यानी हिंडी थर्ड नामक एंजाइम कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। और डी क्या है, उसकी वेराइटी, स्ट्रेन, उस बैक्टीरिया की प्रजाति, डी स्ट्रेन। और उसमें कितने तरह के एंजाइम, दो तरह तीन तरह के एंजाइम पाए जाते, तो उसका तीसरा थर्ड एंजाइम, तो आपने समझा कि ये इस तरह के भी नोमेनक्लेचर आएंगे। मैंने यहां पर इसको डालना नहीं चाहता, मैंने इसलिए डाला कि ऐसा नहीं हो कि कभी आप पढ़े साइड बुक पढ़े कुछ पढ़े और बाद में कहे कि सर इस बात को तो आपने कहा नहीं था। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्या क्या समझा कि ये जो एंजाइम काम कैसे करते हैं और इनके नोमेनक्लेचर का। अब ये सारी बात जानने के बाद हम लोग आगे किधर बढ़ेंगे कि एंजाइम जो है वो बना कैसे है, क्योंकि बहुत पहले से आप लोग जानते आ रहे हैं या सुने हैं
या हमसे भी एक बार सुने होंगे कि एंजाइम तो प्रोटीन के बने होते हैं और कुछ आरएनए के बने होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन के होते हैं उनमें भी कुछ नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। तो अब थोड़ी सी बात हम लोग कोफैक्टर की ओर भी करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, अगले दिन करेंगे।